नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर रायपुर से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण प्रेमियों ने रखे विचार, बोले जल जंगल जमीन नहीं बचाएंगे तो कल भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दुनिया कार्यालय के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और सुझाव को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी संगठनों ने एक स्वर में आवाज उठाई कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आज नहीं चेते को भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ खानापूर्ति साबित न हो जाए, क्योंकि इस दिवस विशेष के दिन पौधारोपण करने के बाद न तो इसकी सूद ली जा रही है और न ही धरती को प्लास्टिक और जल प्रदूषण से बचाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आम खास के साथ ही सरकार को भी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक से कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। विकास के नाम पर पेड़ पौधों की कटाई पर एक बार फिर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अतिथियों ने विकास के नाम पर पेड़ पौधों की कटाई पर एक बार फिर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अतिथियों ने दिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव। पर्यावरण प्रेमी ललित सिंघानिया ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, इससे हम बड़ी दुर्दशा में फंसते जा रहे हैं। एक समय आएगा कि समुद्र में मछलियां से ज्यादा प्लास्टिक की संख्या रहेगी। आने वाले दिनों में कैंसर का बड़ा कारण प्लास्टिक होगा। जनसंख्या विस्फोट पर भी विश्व के बड़े संगठनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ठोस नियम कानून बन सके। पर्यावरण संरक्षण पर सरकार को कार्रवाई तेज करनी चाहिए। रिपोर्ट संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।